इकौना इलाके में हो रही अघोषित कटौती को लेकर लोगों की राय आई सामने। राज्य में निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने को लेकर अधिकारियों को सीएम योगी ने आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को राज्य में निरंतर बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से बिजली की आपूर्ति हर हाल में की जाए, जरूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। इस बारे में जब इकौना इलाके में लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विद्युत कटौती को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। इकौना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। उपकरण शोपीस बन गए हैं और लोग अंधेरे में भी रहने को मजबूर हैं। इकौना इलाके में जब लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों ने बताया कि विद्युत कटौती से चारों तरफ परेशानी बढ़ी है, लोग परेशान हैं। विद्युत कटौती हो रही, दो दो तीन तीन घंटे बिजली नहीं आती है, जबकि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को 24 घंटे बिजली दिया जाए। हम लोग मोमबत्ती बार के जला के काम करते हैं रात में। अच्छा, रात में जब सोने का टाइम होता है तब क्या स्थिति होती है? तब बिजली कट जाती है 9 बजे से 12 बजे के बीच में, फिर बाद में आती है। इसमें बच्चों की पढ़ाई या घर का कामकाज भी प्रभावित होगा? बहुत प्रभावित होता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक ढंग से, बहुत काम प्रभावित होता है। आनंद भैसान कौन परेशानी है बत्ती भैया ने अरे है नाई बेन है तो कपड़े यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में इकौना इलाके में जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजने से उन्हें नुकसान होता है और उन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। इकौना इलाके में लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने मन की बात कही और बताया कि छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। का सही टाइम क्या होना चाहिए? हमारी समझ से जहाँ तक है बच्चों को विद्यालय भेजने का सही उम्र 5 साल के बाद। अच्छा, अभी देखा जा रहा है वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर बैग लाद दिया जाता है, बोझ हो जाता है, उनके बचपना का एक तरीके से वो बचपना का फुल आनंद नहीं ले पाते हैं और उसी में वो मानसिक रूप से पीड़ित होकर फिर वो शारीरिक रूप से भी एकदम कमजोर हो जाते हैं वो बच्चे। जैसे कि हमारी जहाँ तक राय है, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को भी 5 साल उम्र पूरी होने के बाद में ही सत्यनारायण स्कूल में मैंने दाखिला करवाया था। आपको लगता है कि बच्चे जब 5 साल के हो जाए तभी स्कूल भेजना चाहिए? जी जी जी, पूरी तरीके से।